हेलो फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि ये टाइम बहुत नेगेटिव चल रहा है हर तरफ। अगर हम टीवी ऑन करते हैं, न्यूज़ देखते हैं या फिर फ्रेंड्स से बात करते हैं, रिलेटिव से बात करते हैं, तो हर तरफ कोविड के बारे में ही डिस्कशन होता है। ये टाइम नेगेटिव है बस, बट इस नेगेटिव टाइम को आपको खुद के लिए अपॉर्चुनिटी कैसे बनाना है ये आपको डिसाइड करना है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जैसे ही लॉकडाउन हटेगा, जैसे ही रेगुलर चीजें स्टार्ट होंगी, आपके एग्जाम होंगे, और अगर आप इस टाइम पर पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपको उस टाइम पर रिग्रेट फील होगा कि आपने पढ़ाई क्यों नहीं की। अगर आप पढ़ाई कर लेते तो अभी आप एक जॉब ले सकते थे। यह टाइम ऐसा है जब आपके पास टाइम ही टाइम है, और लॉकडाउन के बाद आपका कंपटीशन भी टफ होने वाला है, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं बट आपके कॉम्पिटिटर्स तो पढ़ रहे हैं, वो तो अपना टाइम पढ़ाई में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको देखना है कि आपको अपना टाइम वेस्ट करना है या फिर खुद में इन्वेस्ट करना है। आपको खुद को इम्प्रूव करने में अपना टाइम लगाना है, या फिर टीवी देखकर, या फिर दोस्तों के साथ बात करके, या फिर सोकर अपना टाइम। जब भी हमारे एग्जाम्स पास आते हैं तो हमें लगता है कि अगर हमें थोड़ा सा टाइम और मिल जाता तो हम अपने एग्जाम में बेटर परफॉर्म कर पाते। ये वही बोनस टाइम है आपके पास, इसको यूटिलाइज करिए और अपने आप को अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कीजिए। आज के टाइम में आपके पास ऑनलाइन रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि आपको अपने टारगेट्स के लिए फोकस्ड रहना है, टारगेटेड रहना है, आपको कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करनी है, अपना टाइम किल नहीं करना है, यूटिलाइज करना है। बट अगर आप कल का वेट कर रहे हैं कि आप कल पढ़ाई करेंगे या परसों पढ़ाई करेंगे, तब से आप स्टार्ट करेंगे, तो यकीन मानिए वो कल कभी नहीं आने वाला है। आप अपना इसी तरीके से टाइम वेस्ट करते चले जाएंगे। अगर आप खुद को बहाना दे रहे हैं कि अभी टाइम नेगेटिव चल रहा है, पढ़ाई का माहौल नहीं बन रहा है, माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा है, मैं पढ़ाई के लिए फोकस नहीं रह पा रहा हूँ, तो इस तरीके एक्सक्यूज तो आपके पास हमेशा रहेंगे। जब आपका रेगुलर रूटीन होता था, आप स्कूल जाते थे, आप कॉलेज जाते थे या फिर जॉब के लिए जाते थे, तब आपका एक्सक्यूज होता था कि मेरे पास टाइम नहीं है, और अभी टाइम है तो एक्सक्यूजेज हैं। तो इस तरीके से तो आपकी लाइफ ऐसे ही निकलती जाएगी और आप पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि कल कभी नहीं आता है। और अगर आप किसी परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे हैं, तो परफेक्ट टाइम अगर कभी है तो वो अभी है, इसी मोमेंट में है। अगर आपको पढ़ाई करनी है, अपने ऊपर वर्क करना है, अपने स्किल्स डेवलप करने हैं, अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना है, तो आप अभी उठिए, अपना टाइम टेबल बनाइए और अभी से पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। क्योंकि अगर आप फिर से कल का वेट करेंगे तो कल तक आप ये वीडियो भी भूल जाएंगे और आप ये अपने टारगेट्स भी भूल जाएंगे। कल फिर वही दिन स्टार्ट होगा, फेसबुक स्क्रॉल करते हुए, व्हाट्सएप पे चिटचैट करते हुए। तो अगर आपको कुछ लाइफ में अचीव करना है तो अभी उठिए, अपना टाइम टेबल बनाइए और अभी से स्टार्ट कर दीजिए, इसी मोमेंट से स्टार्ट कर दीजिए। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको मोटिवेशन मिली होगी। अगर मोटिवेशन मिली है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।